how to install Fortnite game on your laptop and PC in 2020. आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है 2020 में, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपका 4GB रैम का लैपटॉप या पीसी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस गेम को बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करिए। लेकिन अगर आपका 8GB रैम या तो 16GB रैम का लैपटॉप है या 12GB रैम का लैपटॉप है तो आप इस गेम को ज़रूर इंस्टॉल करिए। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर ये गेम को फोर्टनाइट गेम को अपने लैपटॉप एंड पीसी में प्ले करने के लिए आपके लैपटॉप में एटलीस्ट 8GB का रैम होना चाहिए। 4GB का रैम यहाँ पर अगर आप है आपके लैपटॉप में तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज ये गेम का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, 35GB का ये गेम है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और क्रोम ब्राउज़र में आपको यहाँ पे फोर्टनाइट गेम फॉर पीसी सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे देन इसके बाद फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखेगी एपिक गेम लॉन्चर की, बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप डायरेक्टली इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चार वर्जन में फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। पहला है विंडोज़ के लिए, सेकंड है मैकबुक के लिए, सेकंड है थर्ड है एप्पल मोबाइल्स के लिए और फोर्थ है एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। तो जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मोबाइल में या लैपटॉप इंस्टॉल करना है, बट ये टॉपिक है लैपटॉप इंस्टॉल करने के लिए और मेरा है विंडोज़ 10 का लैपटॉप, तो मैं विंडोज़ के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये फोर्टनाइट गेम यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट नहीं होगा। जब मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक एपिक गेम लॉन्चर सबसे पहले आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल्ड होगा और उस एपिक गेम लॉन्चर की हेल्प से हम फोर्टनाइट गेम को अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। तो अभी ये सिर्फ एपिक गेम लॉन्चर का एप्लीकेशन अभी लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होगा, सो ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 100MB का एक छोटा सा मतलब एप्लीकेशन है जिसको बस आपको इंस्टॉल करने के बाद यानी कि डाउनलोड होने के बाद के लिए आपको फोल्डर ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे डबल क्लिक करके आपको इस एपिक गेम लॉन्चर एप्लीकेशन को अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा ज़्यादा लेता है आपके पीसी में इंस्टॉल करने के लिए, डिपेंड करता है आपके रैम के ऊपर। तो इसका जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है वो मैं स्किप नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको भी एक एनालाइज आ जाएगा कि ये एपिक गेम लॉन्चर एप्लीकेशन पीसी में इंस्टॉल होने के लिए कितना टाइम लेता है, तो ये पार्ट को मैं स्किप नहीं करूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। सो नाउ इसने अराउंड एक मिनट कंज्यूम कर लिया इस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड होने के लिए। तो जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको अपने फेसबुक ने तो गूगल अकाउंट से इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आपको ये ऑप्शन आएगा चूज़ इंस्टॉलेशन का, डायरेक्टली आपको यहाँ पर इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। बस अब उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप राइट में एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको सिंपली टाइप कर देना है फोर्टनाइट और जैसे आप सर्च करेंगे देन इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है और फिर आपका फोर्टनाइट गेम यहाँ पर आ जाएगा, एज यू कैन सी दैट। बस उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो येलो कलर का एक टैब दिख रहा है उस पर ओनली लिखा है, उस पर डायरेक्टली आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका फोर्टनाइट गेम आपके पीसी एंड लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस गेम को डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ बिकॉज यहाँ पर इस गेम का साइज़ है 35GB, तो ये गेम मेरे किसी काम का नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एक प्रोसेस बताने के लिए
मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको हाईली रिकमेंड किया है कि अगर आपका 4 GB रैम का लैपटॉप है तो इसको इंस्टॉल मत कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसका भी, इसको ऑलमोस्ट 2 घंटा जाएगा आपके PC एंड लैपटॉप में इंस्टॉल होने के लिए। इसी तरीके से आप फोर्टनाइट गेम को अपने PC एंड लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके। सो दिस विल हेल्प यू इन 2020 एंड इन फ्यूचर एज़ वेल। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।